है गाइस, वेलकम टू 5 मिनट स्टॉक एनालिसिस वीडियो, जहां पर हम 5 मिनट के अंदर किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि रिसेंट में हमको कहां ट्रेड मिल सकता है और उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम किसी भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन को यूज़ करके पूरा एनालिसिस करते हैं और उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। सो गाइस यार, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। हम आ चुके हैं ट्राइडेंट के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर और यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट आज देखने को मिला है और काफी शानदार स्विंग ट्रेड आपके लिए बनने वाला है। सो गाइस यार, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, हमको बहुत सारा लर्निंग आपको इस वीडियो में मिलने वाली, बहुत सारे इनसाइट पॉइंट में आपको यहाँ पर बताऊंगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें गाइस। सो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो प्राइस का, अगर मैं इसमें अगर ट्रेंड की बात करूँ तो काफी लॉन्ग टाइम से हमको एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहाँ पर प्राइस कंटिन्यूसली हायर आई हमको बनाते हुए नजर आ रही है और प्राइस में एक शानदार रैली होती हुई हमको देखने को मिली काफी लॉन्ग टाइम से, राइट। सो यहां पर देख सकते हो कि नीचे में एक जोन को क्रिएट करता हूं कि जब भी प्राइस इस लेवल के आसपास आई है, हमेशा हमको एक शानदार रैली इसमें देखने को मिली है। सो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं, राइट। सो यहाँ पर देख सकते हो इस जोन के पास में जब भी प्राइस आई है तो हमेशा इसने सपोर्ट लेकर एक शानदार बुलिश मोमेंटम दिया है। सो मैं यहाँ पर कुछ ग्रीन एरो से आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस टाइप का पैटर्न हमको यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। प्राइस कंटिन्यूसली हायर बना रही है और यहाँ पर कंटिन्यूसली बुलिश मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो बीच में हमेशा ने एक प्राइस, देखो अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो प्राइस हमेशा एक ट्रायंगल पैटर्न बनाने के बाद ब्रेकआउट लेती है इसमें। सो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, राइट। सो अभी पहले मैं आपको पुराना वाला दिखाऊंगा फिर नया वाला दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो एक शानदार रैली हुई, फिर देख सकते हो प्राइस एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बनाती हुई हमको नजर आ रही थी, फाइनली यहाँ से हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है। ये चीज़ आप देख सकते हो। सो मैं आपको एक ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन से आपको दिखा देता हूँ कि ये देखो यहाँ पर हमको इसमें पहले ब्रेकआउट देखने को मिला था और इस लेवल के आसपास मैंने वीडियो भी बनाया गया जब 40 के आसपास प्राइस ने ऊपर में रैली यहाँ से स्टार्ट की थी 40 से, तो अब मैंने आपको एक वीडियो बनाकर अपलोड किया था। उस वीडियो में आप देख सकते हो कि मैंने टारगेट बताया था 60 का और 60 पर हिट करने के बाद ही हमको इसमें सेलिंग देखने को मिली थी। वो वीडियो आप जाके यूट्यूब पर देख सकते हो, मैं साइड में थंबनेल लगा लूँगा उसका। और उसके बाद देख सकते हो रिसेंटली अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस फिर से एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही, कुछ इस टाइप का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर प्राइस हायर हाई बनाती जा रही है लेकिन एक ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए हमको फाइनली आज हमको एक ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला है। सो यहाँ पर देख सकते हो कि फाइनली जो ब्रेकआउट हमको कुछ इस टाइप का देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आज की अगर आप कैंडल देखोगे तो एक बिग ग्रीन कैंडल हमको यहाँ पर देखने को मिली, जहाँ पर वॉल्यूम देखोगे तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट भी हुआ है। तो गाइस यार यहाँ पर काफ़ी शानदार स्विंग ट्रेड हमारा ये बनने वाला है। सो सबसे पहले मैं आपको कुछ इनसाइड पॉइंट और इसमें आपको बता दूँ। एंड गाइस यार एक इम्पोर्टेंट बात, मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले जहाँ पर मैंने इसमें एक ट्रेड लिया था, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात उस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि कैसे मैंने 200% का रिटर्न इस स्टॉक से कमाया है और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, उसमें पूरा स्ट्रक्चर मैंने इस स्टॉक का समझाया था। आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हो, इस वीडियो के बाद में जाके देखोगे तो आपको इस स्टॉक के अंदर कभी भी आपको ट्रेड लेना होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसमें मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, साइकोलॉजी वगैरह सब कुछ मैंने आपको इसमें समझाया है। सो यहाँ पर देख सकते हो फाइनली हमको ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर हम टारगेट कैसे डिसाइड करें, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें अपर सर्किट लगते हैं तो हमको पता नहीं कि कब हमारा टारगेट हिट हो जाए। तो उसके पीछे देखो मैंने लास्ट टाइम क्या साइकोलॉजी मैंने आपको बताई थी और वो चीज़ वर्क कर गई थी। यहाँ पर देख सकते हो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, नीचे से हमको एक शानदार रैली देखने को मिली थी, इतना इसमें एक रैली हुई फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, तो मैंने क्या किया सिंपली इसी लाइन को यहाँ से हटाकर इसको ड्रैग यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया था। तो फिर हमारे देखें तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट 60 के आसपास सेट हो रहा था, राइट। ये देख सकते हो 60 के आसपास सेट हो रहा था, तो इसलिए मैंने 60 का राउंड लेवल पकड़कर यहाँ पर टारगेट बताया था, वहाँ पर हिट हुआ था। और फिर अगर हम अगेन इसी लेवल को यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो अगेन हमारा नेक्स्ट जो हमारा टारगेट लेवल हो सकता है डेफिनेटली 70 के आसपास, हम 70 से 75 के बीच में टारगेट बना सकते हैं। तो राउंड लेवल हम 70 ले सकते हैं क्योंकि इतना रिट्रेसमेंट हुआ तो डेफिनेटली इतनी रैली था इसमें डेफिनेटली हमको देखने को मिले। तो ये अगर हम एक्यूरेट नहीं कह सकते कि ये टारगेट अचीव होगा या नहीं होगा, हम इसमें परफेक्ट नहीं बता सकते क्योंकि कोई नहीं बता सकता रियल में, लेकिन हमको क्या फोकस करना है, हमको फोकस करना है स्टॉप लॉस से। टारगेट आपको हमेशा ओपन रखना है, स्टॉप लॉस को आपको छोटा रखना होता है, राइट। सो स्टॉप लॉस को हमको टाइट रखना है।
सो यहाँ पर अगर मैं अपने रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करूँ तो हमें डेफिनेटली रिस्क हमारी होगी आज की जो कैंडल है, जिस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस होगा, मतलब कि लास्ट की दो कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस है, तो यानी कि आप 52 के नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। अगर इस जोन के नीचे, जो नीचे वाला मैंने आपको जोन दिखाया, इस जोन के नीचे अगर बाहर प्राइस जाती है, यानी कि 52 से अगर प्राइस नीचे की तरफ जाती है, तो फिर आप इसमें अपना स्टॉप लॉस ले सकते हो। टारगेट आपको थोड़ा सा बड़ा रखना है इसमें, ऑलमोस्ट 70 के आसपास हम इस बार टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी शानदार रैली हुई है। लास्ट टाइम भी इसने 40% का रिटर्न यहाँ पर बना के दिखाया था, इससे पहले भी 40% दिया था, तो इस बार भी हो सकता है कि 40% के आसपास ये जो है प्रॉफिट बना के दे। राइट, काफ़ी शानदार इसमें रैली हर बार हुई है, तो काफ़ी शानदार ब्रेकआउट भी होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसमें नेक्स्ट डे और भी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है और अगर अपर सर्किट लगता है, तो आप इसमें फ्रेश बाइंग नेक्स्ट डे आप कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी शानदार स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी, उसमें कोई डाउट नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक कंप्लीटली बुलिश ट्रेंड इसमें चल रहा है लॉन्ग टाइम से, तो आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हो। एंड गाइस, सर काफ़ी शानदार ये ट्रेड आपके लिए बनने वाला, एक शानदार स्विंग ट्रेड बनेगा। आई होप कि पूरा एनालिसिस आपको समझ में आया, काफ़ी सिंपल एनालिसिस, एक परफेक्ट ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है, तो काफ़ी शानदार रैली हमको ये बना के देगा, एक शानदार प्रॉफिट बना के देगा। आई होप कि पूरा एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे लेटेस्ट लॉजिकल ट्रेडिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि ऐसे एनालिसिस वीडियो आपसे मिस ना हो, आप इनको टाइम पे देख पाओ और इन चीज़ों को आप बाद में एग्जीक्यूट कर पाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, आप इन वीडियोस को देख तो लोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक आप ये चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तब तक कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। राइट, सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे स्टॉक के साथ।